एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की एक कार्यशाला पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई, जिसमें एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, पुलिस लाइन के रमेश सिंह सहित जनपद के सभी थानों के एंटी रोमियो प्रभारी मौजूद रहे। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों के आसपास तथा पार्कों सहित सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चौकसी बरती जाए। गर्ल्स स्कूलों में शिकायत पेटिका लगाई जाए, जिसमें लड़कियां अपना नाम गोपनीय रखते हुए शिकायत दर्ज करा सकें। इसके अलावा प्रत्येक थानों के प्रभारी अपना नेम प्लेट लगाएं और कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, हमारे ऑफिस नहीं आ पाएगा, हमारे ऑफिस पहुँच पाएगा, हमारे ठीक है, अपना ऑफिस पहुँचना, फिर अभी भेजता हूँ। पहले बताएं, आप लोग गुस्सा ही नहीं है मुझे एंटी रोमियो टीम में शामिल होकर के, उससे क्या एहसास होता है या क्या अपने फीलिंग्स बताएं आप लोग। सेवक हैं और ये पहले भी हैं, इसमें किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं भेजा, सभी लोग आप स्वेच्छा से आए हैं, किसी ने नहीं कहा हुआ कि चले जाओ, इसके लिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किसी ने जबरदस्ती आप लोग भेजा है। सर ये अभी अनमेरिड है, इनकी शादी भी नहीं हुई है, तो बारे में सर पूरा बात है तो आप फिर बताइए क्या दिक्कत है आपको। सभी बातें मतलब ये एक स्वाट एनालिसिस होती है, स्वाट जानते हैं आप लोग, एक DSWAT होता है, एक DSWOT स्वाट एनालिसिस, कुछ ही मेरे सामने आता है, मैं इंटरेस्ट देता हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। दो साल, मेरा मानना चाहिए कि आज कुछ ज्ञान की बातें बोलते हैं, बस 5-10 मिनट तक का आपको बोल नहीं हो रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैंने लिखा भी बहुत सारा बहुत पहले कुछ पत्र का प्रकाशन बंद हो गया है 2005। कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो या आम आदमी हो या बैंक वाला हो या मजिस्ट्रेट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये सब अप्लाई होता है जी। ये हर महीने की कार्यशाला हम करते हैं और हर थाने में एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ है और जिला लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर रैंक का अफसर करता है और इसकी जो कार्यशाला हर महीने और उनकी कार्यों की समीक्षा की जाती है और इलेक्शन के बाद ये एक रूटीन है। जैसे अभी क्राइम मीटिंग भी हुई तो अब एंटी रोमियो की डिफरेंट जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो हमारे डिफरेंट छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी रूपरेखा फिर से तय की जा रही है और उनके रिव्यू किए जा रहे हैं, तो उसी के तहत आज एंटी रोमियो स्क्वाड्स के भी रिव्यू की गई और उन्हें नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि उन्हें आसपास कोचिंग सेंटर, स्कूल वगैरह सभी जगह निगाह रखनी है और शिकायत बॉक्स भी बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह स्कूलों में शिकायत बॉक्स, जिसमें बच्चियां हमारी बिना अपना नाम लिखे बता सकें कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। और एंटी रोमियो के लिए सभी थानों में एक एक सिम भी जारी किया गया है और उनके नाम थानों के बाहर बोर्ड पर लगाए जा रहे हैं, अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो उस फ़ोन पर भी डायरेक्ट बताया सकता है और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा एंटी रोमियो स्क्वाड्स की गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लोगों का सहयोग अपेक्षित है और कहीं इस तरह की कोई हरकत हम नहीं होने देंगे। हर थाने में टीम है जिसमें महिला कांस्टेबल भी, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का प्रभारी है उसका, जो थाने के अंदर आने वाले सभी संभावित क्षेत्र जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है उसका लेखा जोखा रखना, वहाँ औचक नियंत्रण, छापे मारना, औचक चेकिंग करना, ये सब उनका काम है और ये बखूबी किया जा रहा है और इसको धार देने की अब और तेज कार्रवाई की जाएगी।